आज हम उपवास में खा सके ऐसा मिक्स नट्स मखाना चेवड़ा बनाएंगे। ये चेवड़ा बहुत ही हेल्दी है। इसे हम बना के एयरटाइट कंटेनर में भर के स्टोर करके रखेंगे तो किसी भी वक्त भूख लगने पे इसे हम खा सकते हैं। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। घी मेल्ट हो गया है, इसमें 3 टेबलस्पून मूंगफली। मूंगफली को घी में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे रोस्ट करेंगे। हाई फ्लेम पे इसे रोस्ट करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। लगातार चला के मूंगफली को भूनना है। मूंगफली में से फूटने की आवाज आ रही है। मूंगफली का कलर ब्राउन हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे। बाउल में निकाल लिया है। कढ़ाई में घी बचा है उसमें ही हम बादाम और काजू को भी रोस्ट कर लेंगे। 25 बादाम का हमने इस तरह से 2 पीस करके लिया है। 25 काजू का भी 1 का 2 पीस करके लिया है। इसे लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। लगातार चला के काजू और बादाम को भून लिया है, इसमें लाइट ब्राउन कलर आ गया है, इसे भी निकाल लेंगे। इसे भी हमने बाउल में निकाल लिया है। 2 टेबलस्पून मगजतरी सीड से इसे भी भून लेंगे। लो फ्लेम पे ही भूनना है इसे। गैस ऑफ कर देंगे। मगजतरी फूल गई है, इसे भी हम बाउल में निकाल लेंगे। मगजतरी सीड्स को भी बाउल में निकाल लिया है। 1/2 कप सूखा नारियल की स्लाइस है, इसे भी रोस्ट कर लेंगे। लगातार चला के इसे लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। लाइट ब्राउन कलर हो गया है नारियल की स्लाइस का भी, इसे भी निकाल लेंगे। दो टेबलस्पून ब्लैक किशमिश है, इसे भी हम थोड़ी देर के लिए ही भुनेंगे। किशमिश को ज्यादा भुनना नहीं है, 30 सेकंड के लिए ही भुनेंगे, निकाल लेंगे इसे। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। 2 हरी मिर्च का लंबा टुकड़ा किया है। 10-15 करी पत्ता। एक टीस्पून सेंधा नमक, यह नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हरी मिर्च और करी पत्ता को एक मिनट भून लेना है। 100 ग्राम मखाना है। लगातार चला के लो टू मीडियम फ्लेम पे मखाना को रोस्ट करेंगे। मखाना क्रिस्पी हो जाए तब तक इसे लगातार चला के भूनेंगे। 7 से 8 मिनट लगातार चला के मखाना को मैंने भून लिया है। एक मखाना लेके खा के देखना है। मखाना अगर भून गया है तो ये एकदम क्रिस्पी हो जाएगा, और अगर ये दांत में चिपक रहा है तो अंदर से थोड़ा कच्चा रहेगा। तो इसे आप खा के जरूर देख लीजिए। नट्स हमने भुना था, ये डाल देंगे। 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/8 टीस्पून काला नमक, ये अगर आप खा रहे हैं तो ही आप डालिए। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून पीसी हुई चीनी डालेंगे, ये ऑप्शनल है। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/2 देर इस तरह से चलाते रहना है। मसाला जो हमने डाला वो सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मखाना चिवड़ा रेडी है। इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के 1 वीक तक स्टोर कर सकते हैं।